वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों बता देते हैं आजकल हो क्या रहा है। दोस्तों व्हाट्सएप के जब भी न्यू अपडेट आए हैं उसके बारे में आपको पता तो होगा कि किसी ने यदि आपको व्हाट्सएप मैसेज किया है तो वो वापस डिलीट कर देता है, तो आपको वो मैसेज नहीं दिखाई देते। तो दोस्तों उस समय हमारे पेट में होती है गुड़ 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 गुड़। हम दोस्त देखते हैं कि यार अगले वाले ने हमें क्या गाली दी है, कैसे पता करें, उसने तो भेज के डिलीट कर दिया। और बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे पता करें कि ये मैसेज डिलीट हो गया, डिलीट हुए मैसेज को कैसे देखे व्हाट्सएप पे। बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस समय कि यार क्या गाली इस लुच्चे ने मुझे भेजी है। इस तरह के जो है पता करने के लिए जो है किस तरह से हम पता कर सकते हैं ये व्हाट्सएप की ट्रिक्स एंड टिप्स। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं 11 वीडियोस पहले भी व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स पर बन चुके हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। उसी के साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप और भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा बताए हैं, बहुत ही ज्यादा जानकारी दी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम जब हमारे मैसेज डिलीट हो जाए। तो दोस्तों यदि आपके व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट हो जाए तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैसेज को कैसे वापस देखें। तो चलिए चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और पता करते हैं कि कैसे हम जो है देख सकते हैं डिलीट हुए मैसेजेस को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको साइड में मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, तो सबसे पहले उस स्क्रीन को देखिए और वहां पर समझिए। तो सबसे पहले मैं इधर से चलाता हूँ, इधर से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, लास्ट देखे जाए, लास्ट में मैं आपको नेक्स्ट आने वाले टॉपिक पर बताने वाला हूँ कि क्या टॉपिक आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्ले स्टोर में चलते हैं, और प्ले स्टोर में चलने के बाद में एक ऐप है जिसका नाम है नोटिस ऐप। मैंने नोटिस ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है, इस तरह का इसका आइकन है देख लीजिए, और इसको मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब एक्चुअली ओपन करने के बाद कुछ अलाउ वगैरह मांगेंगे कि चूंकि मैंने इसको पहले ही जो इंस्टॉल कर रखा है तो ये दो इस तरह से नहीं मांग रहा है। तो पहले से अब एक्चुअली इसके अंदर यही नहीं कि एक मैसेज ही दिखाएगा, मतलब आपके इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, या फिर जो भी क्या है कि आपके पर्सनल मैसेज हुए यदि डिलीट हो चुके हैं तो डिलीट हो चुके मैसेज सारे के सारे इसमें दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बता सकते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे सेट है, सबसे पहले मैं इनको जो है हटा देता हूँ। तो यहाँ से जो है सबसे पहले देख लीजिए कि इस तरह से जो है चैट बनी हुई है, और यहाँ से जो है मैं इनको देख लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले व्हाट्सएप में चलते हैं, वहां पर कोई मैसेज डिलीट हो चुका है वो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये वाला मैसेज मेरे सामने जो है आया हुआ है, इसके अंदर देख लीजिए, और इस मैसेज को डिलीट, तो डिलीट हो चुका है, मतलब अभी तो ये मैसेज हमारे पास सामने दिख रहा है, अभी एक मैसेज आ चुका है देखिए, और इस मैसेज को डिलीट किया जाएगा। मतलब अब ये मैसेज जैसे डिलीट हो जाएगा, अभी तो मैंने देख लिया है लेकिन फिर भी डिलीट कर देंगे अभी, तो ये यहां से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट कीजिए, तो देखिए डिलीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है डिलीट किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको देखते हैं अपने नोटिस सेव में। सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोटिस सेव के अंदर, और नोटिस सेव के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो मैसेज मेरे पास आया था ये रहा, ये मैसेज मेरे पास आया था, और इस मैसेज को देखो, देखिए सारे के सारे जिन भी कॉन्टेक्स्ट में मैसेज डिलीट हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वो मैसेज आ चुका है, जिस कॉन्टेक्स्ट का था वो कॉन्टेक्ट यहाँ पर आ चुका है, दिखाई दे चुका है। तो दोस्तों ये वाला मैसेज था जो डिलीट हुआ था, वो डिलीट मैसेज जो है यहाँ पर दिखाई दे चुका है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप जो भी डिलीट हुए मैसेज आसानी से इस नोटिस में सेव हो जाते हैं सभी के सभी, और आसानी से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। देखिए जितने भी जो है मैसेज है यहाँ पर, जो ये भी डिलीट हुआ हुआ था, जो भी डिलीट मैसेज हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर इसमें सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप आसानी से देख सकते हैं इन जो है मैसेज को जो डिलीट हो चुके हैं, बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अब इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी, तो दोस्तों आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दूं कि अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इधर आपको फोन दिख रहा है, मैं इधर फोन चला रहा हूँ, ये काम कैसे होता है, किस तरह से इसको एडिट करते हैं वो फोन के जरिए मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जल्दी से, और मैं लेकर आऊंगा आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें इस तरह का काम आप भी कर सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो के कमेंट आए थे, वो कमेंटर कौन थे मैं उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताए। दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए के साथ, तब तक के लिए #newsy, new day busy।